नमस्ते जुले, स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं इस वक्त नमगन मेला के लिए। रिजिंग जा रहे हैं जो कि गांव से काफ़ी ऊपर जाके है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ बिल्कुल नज़दीक में है, तो ये जगह थोड़ी ऊंचाई पे है। हम जा रहे हैं नमगन मेला के लिए। आज हमारे मेले का दूसरा दिन है। तो ये जो मेला है कुल 4 दिन का होता है। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं रिजिंग में। तो यहाँ आसपास में काफ़ी सारे खेत हैं। खेत आजकल खाली है क्योंकि अब सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे मेला ग्राउंड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग काफ़ी सारे पहुंच चुके हैं। और ये जो ग्राउंड है अभी 1-2 साल पहले ही बना है। पहले ये छोटा सा होता था, अभी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच वगैरह भी चलता है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ टूर्नामेंट चला था। तो इस मेले के ऊपर मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो पिछले साल बनाई थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस वक्त यहाँ पे गांव के जो मुख्य लामा जी है, लामा फुलदो जी, इनका यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत करने वाले हैं महिला मंडल की महिलाएं। तो इस वक्त लामा जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और ये जो लामा जी है ये मेरे छोटे पापा है। तो यहाँ पे इस वक्त खाना बांटा जा रहा है। ये वो खाना होता है जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनके नाम से आज के दिन यहाँ पे खाना बांटा जाता है। नाम है लदरा। ये बहुत ही ऊंचे पे उगता है और इसको सभी लोगों में बांटा जाता है। ये जो फूल है कल शाम को सुन्नम जोत गए थे वो लोग इसको लेकर आए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे बीच में लियो गांव के देवता जी पहुँच चुके हैं। तो सभी लोग जो है काफ़ी देर से देवता जी का वेट कर रहे थे। और आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। तो आगे का काम जो है अब शुरू होगा यहाँ पे। आज के दिन जो है यहाँ पे जैसे किसी के फैमिली में किसी फैमिली मेंबर की मृत्यु हो जाती है उनके नाम से यहाँ पे खाना लाया जाता है। और खाना जो है 3 साल तक लाया जाता है। फिर खाने को जो है यहाँ पे देवता जी के सामने लाइन से रखा जाता है। फिर देवता जी जो है वो सभी खाने के पास बारी बारी से जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनकी आत्मा आज के दिन यहाँ पर ज़रूर आती है। तो अंत में जो है ये हमारा पारंपरिक गीत होता है, देवता जी के लिए गाया जाता है। इसी के साथ हमारा जो दूसरे दिन का जो नमगन मेला है वो ख़त्म होता है। फिर इसके बाद जो है अगले दिन गांव के बीच में मेला लगता है। वहां पर सभी लोग जो अपना पारंपरिक पहनावा है वो पहनकर आएंगे और सभी लोग वहां पे नाच गाना करते हैं। तो कुल मेला जो है वो 4 दिन का होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।